तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पबजी मोबाइल लाइट के एक न्यू हैंड कैम गेम प्ले वीडियोस के अंदर। आप देखो, मैं स्टार्टिंग में बोल दे रहा हूँ कि ये गेम प्ले बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि यार आप सबको पता ही होगा कि कितने सारे जादूगर आ रहे हैं और भाई साहब उस जादूगर को बहुत ही ज़्यादा गंदा मारने वाले हैं। तो कुल मिला के गेम प्ले बहुत ही ज़्यादा मस्त होने वाला है, इसलिए तुम शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर से देख लेना। अब देखो, मैं उतर जाता हूँ आइसलैंड और भाई साहब यहाँ पे पूरे के स्क्वाड होती है और देखना है इस स्क्वाड को क्या ही मारने वाले हैं, मतलब देख के मजा जाएगा। और जो सामने रहा बंदा, अब देखो अगर तुमको एक क्लच पसंद आया होगा तो भाई तुम जरूर से एक लाइक कर देना, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन दे के जाता है। फिलहाल देखो, अपन आइसलैंड में मात्र एक ही स्क्वाड आया होता है जिसको अपन इजिली मार देते हैं, उसके बाद लूट वूट कम्प्लीट करने के बाद फटाफट यहाँ से निकल जाते हैं और नाव लेके आ जाते हैं सीधा सिंक डेल्टा की साइड, क्योंकि भाई साहब इधर से मेरे को गन साउंड की आवाज़ आ रही थी। अब देखो, मैं फटाफट बोर्ड से नीचे उतर जाता हूँ और तभी मेरे को कुछ सुनाई दिया। हाँ भाई साहब, यहाँ पे बंदे हैं और देखो इस बंदे को क्या ही मारने वाले हैं। और भाई जस्ट देखो सामने रहा बंदा, तो इस बंदे को भाई सीधा नॉक आउट फिनिश कर देते हैं। अब देखो, मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई साहब क्या ही नॉक दे इस बंदे को, तो इसको फटाफट फिनिश कर देते हैं। तो इस बंदे को नॉक आउट फिनिश कर देते हैं। अब देखो, यहाँ पे दो ही बंदे होते हैं। यार मेरे को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे पूरे के स्क्वाड है, बट यहाँ पे दो ही बंदे होते हैं जिसको अपन इजिली मार देते हैं। हालांकि देखो, अब हमने घरे वाले भी फोल दिए, तो फिर अपन यहाँ से पैदल ही निकलना पड़ेगा। तो मैं फटाफट क्या ही कर सकते हैं भाई, हमने घरे भी फोल ही दिए है, तो मैं स्केटिंग करते करते आ जाता हूँ गाड़ी के साइड और अपन फटाफट निकलते हैं गाड़ी में बैठ के बंदे की तलाश में। अब देखो, उसके बाद अपन गाड़ी चलाते चलाते आ जाते हैं सेंट्रल रोड की साइड और यहाँ पे एक बंदा मेरे को स्पॉट होता है और ये बंदा देखना मतलब क्या ही करने का ट्राई कर रहा होता है भाई। और ये भाई देख रहे हो, मतलब S12 के इतना दूर से इतना ज़्यादा डैमेज दे दिया मेरे को, वो भी S12 के से। तो ये बंदा जरूर से जादूगर था, तो इस बंदे को तो अपन इसलिए मार देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ही बंदा होता है जिसको अपन मार देते हैं और यहाँ से फटाफट से निकल जाते हैं और आ जाते हैं इस साइड। अब सच बताओ तो मैं बहुत देर से बंदे को ढूंढ रहा था, लेकिन मेरे को एक भी बंदे नहीं मिल रहे थे। तो फाइनली अपन आ चुका था जोन के अंदर और इधर देखो भाई साहब बंदे हैं। पता ये बंदे जोन के अंदर क्यों फाइट ले, नहीं भाई बाहर जाके फाइट ले। तो फिलहाल चलो इसको अपन थर्ड पार्टी करके मारते हैं। और सामने रहा बंदा, अब देखो यहाँ पे बस एक ही बंदा दिखता है, जबकि यार मेरे को गन साउंड की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा आ रही थी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे जितने सारे बंदे थे वो पूरे के पूरे जोन में जा चुके हैं, तो मैं भी फटाफट यहाँ से निकल जाता हूँ, क्योंकि यार जोन का डैमेज कुछ ज़्यादा ही था। उसके बाद देखो आ जाते हैं ड्रॉप की साइड और यहाँ पर मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है, तो ये बंदा भाई ड्रॉप लेके मस्त भाग रहा होता है, तो इसको अपन पहले पकड़ते हैं। तो इस बंदे को मिल जाती है ड्रॉप से RPG, तो इस बंदे के ऊपर अपन बिल्कुल भी सीधा रस नहीं करने वाले हैं। उससे पहले मैं एक नेट का पिन खींच देता हूं और सीधा इसके ऊपर फेंक देता हूं, क्योंकि ये बंदा जस्ट ऊपर की साइड गया है।
और ये बंदा भाई साहब नेट से भी नहीं फूटता है, और इसके पास है RPG, तो मैं इसके ऊपर डायरेक्ट तो रश कर सकता हूँ नहीं, तो मैं थोड़ा बहुत ट्रिक व्रिक लगा के इसको मारने का ट्राई करता हूँ। लेकिन भाई साहब मेरा ट्रिक काम ही नहीं कर रहा था, मैं इस गाड़ी के ऊपर चढ़ ही नहीं पा रहा था भाई। उसके बाद मैं सोचता हूँ पीछे से आके स्केट करके ऊपर चढ़ूंगा, लेकिन फिर भी अपन नहीं चढ़ पाते। तभी मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये वही बंदा है जो जस्ट नीचे की साइड आ गया है, तो ये शायद से बॉट होता है जिसको अपन इजीली मार देते हैं। अब मेरे को ऐसा लग रहा था कि अब मेरे को इधर से ट्रिक अप्लाई करना चाहिए, तो मैं आ जाता हूँ इस साइड और सामने रहा बंदा, तो मैं एक स्टंट ग्रेनेड फेंकता हूँ इसके ऊपर। और भाई साहब देख रहे हो इसको कितना फट रहा है भाई, इसके पास RPG है फिर भी वो बंदा मेरे ऊपर पुश नहीं कर रहा है, और देखना भी क्या ही सीन होने वाला है। तो इस बंदे को भाई साहब सच बताऊं तो एक हेड दे देता हूं, वो भी G36 से, तो ये बंदा तो हाफ HP हो ही गया होगा। तो अभी देखने इस बंदे को क्या ट्रिक्स लगा के मारने वाला है, मतलब अभी देखे मज़ा जाएगा। अभी देखो मैं यहां से स्केट ओपन किया और देखो मैं फटाफट घर के अंदर कैसे जाता हूं, और ये बूम आ चुका हूँ मैं घर के अंदर। उसको पता ही नहीं है भाई कि मैं इसके ऊपर आ चुका हूँ, और देखो इसको क्या मारने वाले हैं अपन। हैं चाचा जी आया स्वाद। अब देखो इसके पास RPG था, तो अगर जो इसके पास RPG नहीं होता तो मैं इसके ऊपर सीधा पुश करके मार सकता था, बट इसके पास RPG था तो फिर मेरे को होल्ड करना पड़ा। तो इसको इमोट मोट करके चिढ़ाते हैं और फटाफट यहां से निकलते हैं। बाय द वे वो बंदा सोच रहा हुआ कि यहां पे ये बंदा आया तो आया कहां से, तो मैं एक बार और करके दिखा देता हूं कि मैं यहां पे कैसे आया। मैं फटाफट एस्केप ओपन करता हूं और देखो बूम आ चुका हूँ इस घर में। और मैं इसको भाई बता रहा था कि अगर वो बंदा मेरे को एक्सपेक्टेड कर रहा होगा, तो मैं इसको बता रहा था कि मैं इस तरह से इस घर में आया हूँ। अब देखो भाई साहब तुम नोटिस कर रहे हो तो बंदा मात्र एक बचा है, और जोन देखो भाई कितना ज़्यादा बड़ा है। तो मैं गाड़ी ले कर उस लास्ट बंदा को ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ, और आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये बंदा इधर ही होना चाहिए, और फाइनली ये देखा बंदा। तो इसको अपन इजीली गाड़ी से कुचल के मार देते हैं। तो इसी के साथ अपने को मिल जाती है चिकन डिनर। तो यही था इसका गेम प्ले वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।